एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज इमलीबन में अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कचरा फेंकने के दौरान कचरे की गाड़ी चिकनाहट की वजह से गड्ढे में उलट कर गिर गई, जिसके सबब ट्रक ड्राइवर 52 साल आरिफुद्दीन और 48 साल हाजी खान को जख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर दोनों जान बख हो गए। इतला मिलने पर AIMIM MLA याखुदपुरा जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हवा बलिया की गार्बेज की गाड़ी का वहाँ जो चिकना आयल वायल गिर के जो चिकनापन रहता है उसमें गाड़ी उलट गई और उसमें दो जने भर से जो दो जनों को सीरियस कंडीशन में उस्मानिया में शरीक कराए थे उनका इंतकाल हो गया और एक का नाम जो सो हाजी खान एक है और एक मोहम्मद आरिफ, ये दो इसमें से एक आउटसोर्सिंग के थे एक दूसरे परमिट थे। तो अब उनकी पोस्टमार्टम के लिए बाड़ी यार मार्चरी पे लाए सदर साहब को इतला मिली नकीब मिलत बरसोदी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पे मैं बशीर साहब बात के लिए लेके आया। मैं यहाँ पे आके देखा कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर साहब से बात किया, उन्होंने बताया कि कुछ 7 लाख रुपये को 11 रुपये डिपार्टमेंट की तरफ से देंगे। वो आउटसोर्सिंग की है सो उनको और इनको दोनों को दो में से किसी एक को 11 किसी एक को 7 लाख रुपये। मेरा मुतालबा था कि कम से कम इनके ख़ानदान में से दो घरों में से एक एक बच्चे को हादसे पे तो हमको अफसोस है, उनके वर्षा से ताज़ियत मिले उन लोगों को पेश करेंगे, लेटर देंगे, पूरा रिकॉर्ड दाखिल करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको कोई रोज़गार सरकारी तौर पर सरकारी नौकरी उनको मिल जाए। तो जान का मुआवजा पैसा या नौकरी नहीं है, लेकिन एक रूल्स है अगर नहीं लिए तो कोई दूसरे इनके नाम से खा जाती। तो हमारी कोशिश है कि इनके हिस्से में जो चीज़ आती इन तक पहुँचे, उसके लिए मैं आके यहाँ बात किया कमिश्नर से और डॉक्टरों से बात किया, मार्चरी में पोस्टमार्टम चल रहा, जल्द से जल्द पार्टी दे देती है आप लोगों को, इंशाल्लाह आइंदा की कार्रवाई भी मजलिस की तरफ से करेंगे। शुक्रिया।